नालासोपारा टेम्पो में मिली महिला का हत्यारा गिरफ्तार। पुलिस विभाग की बड़ी कार्रवाई। नालासोपारा में चंदन नाका पर एक टेम्पो में महिला का शव तुलिंज पुलिस ने बरामद किया था। आखिरकार पुलिस ने महिला की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस का कहना है कि एक दुकानदार ने महिला को मामूली विवाद के चलते उसकी हत्या कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि महिला की हत्या करने के बाद उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने महिला के हत्या मामले में मजीठिया क्षेत्र से शिवा चौधरी उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी शिवा की मजीठिया में प्रेम नॉवेल्टी नामक दुकान है। वह पिछले 8 महीने से दुकान में अकेला रह रहा था। जब महिला नगीना यादव ने सामान खरीदने के लिए उस दुकान पर गई, तो किसी बात को लेकर महिला और शिवा के बीच बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। शिवा ने महिला के बाल खींचकर उसे अंदर के कमरे में ले गया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। फिर चाकू से उसके गर्दन में वार कर दिया। सहायक पुलिस निरीक्षक संतोष गुर्जर के अनुसार घटना में चौंकाने वाली बात ये थी कि आरोपी ने हत्या के बाद उसके साथ बलात्कार किया। शव को रात करीब 2:30 बजे एक बड़े प्लास्टिक बैग में पैक किया गया और चंदन नाका पर खड़ी एक टेम्पो में फेंक दिया गया। वसई से राधेश्याम सिंह की रिपोर्ट। 2020 इस सिलसिले से हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उस हिसाब से हमें ऐसी गुप्त माहिती मिली कि ऐसा व्यक्ति यहाँ रह रहा है, और सीसीटीवी फुटेज की इसमें हमने वेरीफाई किया। उस आरोपी को हमने कॉट करके सीसीटीवी फुटेज के इसमें हमने हमारे स्थानीय गुनी शाखे एल सी में ला के उसको इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेट के बाद में हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन मिली वो हिसाब से पूरा आउटपुट हमने वहाँ से खोज निकाला। महिला को मारने का उसका पर्पज ऐसा उसके इन्वेस्टिगेशन में मालूम गिरा कि वो किचन सेट या कुछ तो भी घरगुदी सामान लाने के लिए गई। वहाँ पे वो पैनिक हो गया है। पैनिक होने से उनके फिजिकल असॉल्ट हो गया। फिजिकल असॉल्ट होने के बाद में उसे दूसरे रूम में खींचते हुए लेके गया। खींचने के बाद में उसने गला उसका नोच दिया, फिर उसके बाद में चाकू से स्टैब कर दिया। उसके बाद में उसने ऐसा बोला है कि मैंने ये खून करने के बाद में उसका रेप किया है और बॉडी पैक करके पूरा खुद होके मैं टेम्पो में जाके लोड कर दिया। मामले का खुलासा जब हम तहकीकात कर रहे थे तो उसे हम लेके आए और हमारे टीम ने उसको इंट्रोगेट करके वो तहकीकात मालूम किया। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।